लो जी, तो ले आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए पालक पनीर। जी हाँ, पालक पनीर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो पहले पहले नीचे दिए बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पालक को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, उसकी जितनी भी बड़ी बड़ी डंडियों उनको हटा दीजिएगा। पालक अच्छे से जब साफ़ हो जाएगा तो उसको एक किसी ऐसे बर्तन में करिएगा जिसमें वो अच्छे से धुल सके। आप उसको किसी बड़े बाउल में या फिर आपके पास अगर ऐसी जाली वाली चलनी है तो आप उसमें भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे से पालक धुल जाएगा। उसके बाद पालक को खूब अच्छे से दोनों हाथों से खूब अच्छे से धो लीजिएगा, जिससे कि उसके अंदर जितनी भी मिट्टी और गंदगी हो वो सब निकल जाए। पालक खूब अच्छे से जब धुल जाए उसका सारा पानी निकाल के अलग कर दीजिएगा। फिर एक बड़े से बर्तन में खूब सारा पानी लीजिएगा जिसमें हम पालक को बॉयल करेंगे। तो उस पानी में अच्छा सा बॉयल आने दीजिएगा, उसके बाद उसमें पालक को ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे पालक ऐड कर दिया है। इस बाउल में मैंने पानी पहले से ही ले रखा था, और पानी इतना लीजिएगा जिसमें पालक आपका अच्छे से डूब जाए। तो यहाँ बाउल में मैंने पालक ऐड कर दिया है और मैंने पालक खूब अच्छे से साफ़ करा था। उसमें कोई भी, आप देख सकते हो, कुछ भी गंदगी आपको नहीं नज़र आएगी। तो पालक इस बर्तन में आप डाल दीजिए जिसमें आपने पानी लिया है, और इसे अच्छे से आप लोग प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि पालक खूब अच्छे से पानी के अंदर चला जाए। और बस इसे लो फ्लेम पे अच्छे से बॉयल आने तक पकने दीजिए, जब तक ये डार्क ग्रीन कलर में ना आ जाए। तो जब तक हमारा पालक बॉयल हो रहा है तो अब तक एक प्याज को लीजिए और फटाफट से प्याज छील के उसको आप चॉपर में डालकर चॉप कर लीजिए। इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, आज मैं पालक पनीर अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। हम एक प्याज लेकर इसको चॉपर में डालकर चॉप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया और इसको अब मैंने चॉपर में डाल दिया है, और चॉपर में डाल के अब मैं इस प्याज को चॉप कर लूँगी। मैंने पालक जो लिया है उसकी क्वांटिटी है आधा किलो। आधा किलो पालक लिया है मैंने, यानी कि 500 ग्राम। तो 500 ग्राम पालक से पालक पनीर आज बनाने जा रही हूँ, और उसके साथ मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। तो यहाँ पे देखिए, फटाफट से मैंने यहाँ पे एक प्याज डाल के चॉपर में अब इसको मैंने चॉप कर दिया है बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप अपने हाथों से भी प्याज को बारीक बारीक कट कर सकते हैं। तो जब तक प्याज कट हो रही है गाइस, नीचे दिए बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे प्याज मेरी फटाफट से बारीक बारीक कट चुकी है। अब मैं लूँगी यहाँ पे टमाटर। मैंने यहाँ पर लिए 2 टमाटर। 2 टमाटर को बड़े बड़े पीसेस में आप लोग कट कर लीजिए। जी हाँ, सही सुना, बड़े बड़े पीसेस में, क्योंकि हमें इसे मिक्सी के जार में डालकर सिर्फ और सिर्फ ग्राइंड करना है। तो आप इसे कितने भी बड़े पीसेस या कैसे भी साइज में कट कर सकते हैं। उसके बाद इन सारे पीसेस को उठा के मिक्सी के जार में डाल दीजिए। उसके बाद आप इसकी एक प्योरी बना के तैयार कर लीजिए। तो टोमेटो प्योरी बन के तैयार हो चुकी है, मार्केट में भी मिल जाती है। ये देखिए, इधर पालक अच्छे से उबल गया है हमारा, कितनी तेज बॉयल आ रहा है आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे पालक बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि ये बहुत अच्छे से उबल गया है। अब आपको इसको ठंडा कर लेना है और उसका सारा पानी निकाल देना है। उसके बाद हाथों से इसको निचोड़ के ठंडा करने के बाद आप इसे मिक्सी के जार में डालिएगा। गरम पालक मत डालिएगा, नहीं तो आपका मिक्सी का जार ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पालक को अच्छे से ठंडा कर लिया था बॉईल करने के बाद, और अब मैंने इसे इसका सारा पानी निकाल के मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से पीस लेना है और पालक को पीस के बिल्कुल ऐसे करके तैयार कर लेना है। अब कढ़ाई में डालिए तेल। मैंने यहाँ पे तेल लिया है 2 बड़े चम्मच। 2 बड़े चम्मच तेल को खूब अच्छे से तेज गर्म होने दीजिएगा। जब तेल खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद आपने जो बारीक प्याज कट करी थी या चॉप करी थी आप उसे इसमें ऐड कर दीजिएगा। सारी प्याज तेल में डाल दीजिएगा और प्याज को अच्छे से भुनने दीजिएगा। पूरी पालक पनीर की रेसिपी में गैस का फ्लेम जो है वो लो रखिएगा, हाई फ्लेम पे हम सब्जी नहीं बनाएंगे, नहीं तो उसमें हल्की हल्की सी जलान आने लगेगी, इसलिए गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। तो यहाँ प्याज हमने ऐड कर दिया है, अब इसे अच्छे से मैं भून लेती हूँ। जब तक प्याज अच्छे से भून रही है, रेड कलर हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करिएगा। जीरा और हल्दी ऐड करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करिएगा। उसके बाद गरम मसाला ऐड करने के बाद आप इसमें 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करिएगा, यानी कि छोटी चम्मच। और उसके बाद 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करिएगा। उसके बाद आप लोग इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। आप लोग जितनी भी क्वांटिटी में नमक खाते हैं उतनी क्वांटिटी में नमक डाल दीजिएगा। अब फटाफट से आप लोग देख सकते हैं सारे मसाले डाल के अब मैं इसे अच्छे से भूनने देती हूँ। जब ये मसाले खूब अच्छे से भून जाएंगे तब हम इसमें ये टमाटर की जो प्यूरी हमने तैयार करी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। तो सारे मसाले जब अच्छे से भून जाएँ, तेल ऊपर आ जाए, उसके बाद इसमें ये टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर दीजिएगा। तो टमाटर की प्यूरी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे देखिए, मैंने अच्छे से चला दिया है, और अब इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने दीजिए सारे मसालों के साथ। टमाटर के साथ सारे मसाले अच्छे से जब पक जाएंगे
तो आपको उसमें तेल ऊपर दिखाई देने लगेगा। अब आप फटाफट से अपना जो पनीर मैंने बताया था 250 ग्राम उसे लीजिए और किसी भी शेप के पीसेस में आप उसे कट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में पनीर को कट कर लिया है। आप बड़े पीसेस भी रख सकते हैं, पीसेस का साइज़ आप लोगों को जैसा रखना हो वैसा रख सकते हैं। मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो गाइस, आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारा मसाला खूब अच्छे से पक गया है। अब जब मसाला अच्छे से पक गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक। जी हाँ, जो पालक हमने पीस के तैयार करा था उसे खूब अच्छे से इसमें ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा जार में ही जो पालक रह जाएगा उसमें हल्का सा पानी डाल के उसे अच्छे से चला के वो भी इसमें डाल दीजिएगा। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैं फिर से रिपीट करूँगी, जो पालक जार में रह जाए उसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा। मैंने यहाँ पे छोटी कटोरी पानी उसमें डाल के और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे खूब अच्छे से चला दीजिए। पालक को पहले खूब अच्छे से चलाइएगा जिससे कि वो सारे मसालों के साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद जो हमने पनीर के पीसेस कट करे थे वो पनीर के पीसेस आप इस पालक की प्योरी में ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जितने पनीर के पीसेस कट करे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे लो फ्लेम पे खूब अच्छे से चलाऊंगी जिससे कि पालक पनीर हमारे मसालों के साथ खूब अच्छे से ऐड हो जाए। अभी आप लोग इसे ढकिएगा मत, पहले से खूब अच्छे से चलाइएगा और जब इसमें हल्का हल्का सा बॉईल आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप इसको ढक सकते हैं। तो पहले आप देखिए, मैं इसको बिल्कुल चला रही हूँ। आपको भी इसको ऐसे ही लगातार चलाना है जिससे कि सारा पालक पनीर अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनने वाला है। तो एक बार ऐसे ज़रूर बना के देखिएगा, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से रेसिपीज लेकर आती हूँ और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे रेसिपीज़ आप लोगों के लिए ट्राई करूँगी। तो ये देखिए, फटाफट से उसमें हल्का सा बॉयल आ गया था और मैंने प्लेट से इसे ढक दिया और बस 5 मिनट बाद आप देखेंगे आपका लाजवाब पालक पनीर बनके तैयार हो जाएगा। ऊपर से आप इसमें क्रीम डाल दीजिए, अमूल की क्रीम मार्केट में आपको मिल जाएगी और क्रीम डाल के आप ये टेस्टी सा पालक पनीर खा सकते हैं। तो ये थी आज की पालक पनीर की रेसिपी। मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फॉलो ज़रूर करिएगा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी भी सेम यूट्यूब आईडी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।